हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाने जा रही हूँ, अंकुरित मसूर दाल। ये देखिए इसके स्प्राउट्स कितने अच्छे आए हैं। इसे अच्छी तरह से धो के, इसे पानी में भिगो के उसका पानी निकाल कर इसे मैंने एक दिन ऐसे ही छोड़ दिया था, जिससे उसके स्प्राउट्स देखिए किस तरह से अंकुर हो गए हैं ना। ये चपाती के साथ में, फुलके के साथ, रोटी के साथ खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। लंच और डिनर के लिए परफेक्ट रेसिपी है, तो एंड तक ज़रूर देखिए ये रेसिपी। मैं अभी आपको इसमें क्या क्या लगने वाले इंग्रेडिएंट्स सब एक एक करके बताती हूँ। इसके लिए हमें 2 तेज़पत्ता, होल रेड चिल्ली, 3 से 4 टमाटो प्यूरी, ये 3 मीडियम कलर टमाटर लेके मैंने उसे पीस लिया है, और बारीक एकदम फाइन चॉप करना है हमें प्याज, और उसके साथ हरा धनिया भी ले लेना है। साथ में दोनों को मिलाकर आप चाहिए तो जो ये मिक्सर ये होता है ना अपना, जो चॉपर, उसमें डाल के एक साथ भी बारीक बारीक ऐसे फाइन चॉप कर लेना है हमें। जैगरी और सॉल्ट, जीरा, हींग, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और एकदम बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें अभी अपने ये रेसिपी के लिए लगेंगे। प्याज को हमें इतना बारीक इसलिए काटना है क्योंकि हमें इसकी ब्यूटी बरकरार रखनी है, जो अंकुरित है ना अपने मसूर। अगर हम प्याज और टमाटर को बड़ा बड़ा काटेंगे तो जो इसकी ब्यूटी है वो हमें दिखाई नहीं देगी, खाते समय जो है वो हमें इसके अंकुर दिखाई देने चाहिए। इसीलिए हमें इसे टमाटर को पीस लेना है और प्याज को एकदम ही बारीक चॉप करके लेना है हमें। हमें कुकर ले लेना है। इस कुकर में पहले हमें अपनी दाल, मसूर दाल डालनी है। कुकर में मैंने सारी मसूर दाल डाल दी है, होल मसूर दाल। अब उसमें 2 तेज़पत्ते, थोड़ी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा तेल डाल के हमें इसे थोड़ा अच्छी तरह से भून लेना है। इस तरह भुनने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 2 चम्मच प्याज भी इसमें डाल दी है मैंने, और इसको भी थोड़ा सा मैं इसके साथ मिला के भून लूंगी। ये देखिए फ्रेंड, इतनी मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है ना कि चिकन खाने वालों के मुंह में भी पानी आ जाएगा। इस तरह इसे हिलाते हुए हमें 1-2 मिनट तक इसे थोड़ा सा भून लेना है। अब इसमें थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है। और अब इसमें हम ठंडा नहीं, गर्म पानी डालेंगे। 2 कप पानी मैंने गर्म कर लिए, अब हमें इसे हवे में डालना है। अब हमें इसे बंद कर देंगे, धीमी आंच पे इसमें हम 1 सीटी लगा लेंगे। ये देखिए हमारे मसूर बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं, ये दाना दाना अच्छे से पक चुका है। अब हम इसके तड़के की तैयारी करेंगे। 1 सीटी होने के बाद दूसरी सीटी होने से पहले ही बंद कर देना है, नहीं तो बहुत गल जाएंगे। अब फ्रेंड हम मसूर की दाल के लिए तड़का बनाएंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, यहाँ पर पैन में 1 तेज़पत्ता डालेंगे, साबुत लाल मिर्च, हींग और जीरा, होल
जैसे ही हमारा जीरा थोड़ा सा लाल हो जाए, बारीक कटे हुए हमारे लहसुन, गार्लिक को हमें थोड़ा ब्राउन करना है, हल्का ब्राउन कलर कर लेना है। इसे भुने हुए गार्लिक की टेस्ट बहुत अच्छी आती है इस सब्जी में। गार्लिक हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हम कटे हुए हमारे प्याज डालेंगे। प्याज डाल के हमें इसे धीमी आंच में हल्का ब्राउन होने तक सेकना है। जो हरा धनिया हमने काटा था ना हरे प्याज के साथ में, उसका ग्रेवी में बहुत अच्छा फ्लेवर उतरेगा। ये देखिए हमारा प्याज सिक्के आधा हो चुका है। अब इसमें हम बचे हुए सारे मसाले ऐड करेंगे, कटी हुई अदरक, हमारी बारीक कटी हुई एकदम अदरक, हल्दी मिर्च का पाउडर, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। गरम मसाला पाउडर, टमाटर प्यूरी, सबको मिला के अच्छे से थोड़ी देर पका लीजिए। टमाटर को हमें अच्छी तरह तेल छूटने तक पकाना चाहिए। अब देखिए साइड से थोड़ा सा तेल छूटने लगा है। ये देखिए जब मसाला आसानी से घूमने लगे तो सोच समझ लीजिए कि आपका मसाला बिल्कुल तैयार है। अब थोड़ा सा इसमें जैगरी, ये ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए शुगर या जैगरी, जस्ट फ्लेवर के लिए थोड़ा सा डालना है उसमें। और अब फ्रेंड्स इसमें एक ऐसी मज़ेदार चीज़ डालने वाली हूँ जिससे इसका स्वाद दो गुना बढ़ जाएगा। ये रही हमारी मलाई, 2 चम्मच गाढ़ी दूध की मलाई, क्या बात है। खाना ऐसा बनाइए कि नॉनवेज खाने वालों के मुंह में भी पानी आ जाए। इसे मिक्स करके अब हमें इसमें अपने उबले हुए अक्खे मसूर डालने हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मसूर की सब्जी को ज़्यादा पतला मत बनाइए, खाने में इतनी इसकी टेस्ट नहीं आती है। कभी भी इसे थोड़ा गाढ़ा ही रखिए। और मैं इसे चपाती के साथ सर्व करने वाली हूँ तो थोड़ा मैं इसे गाढ़ा ही रखने वाली हूँ। अगर आपको लगे कि थोड़ा इसको पतला करना है तो ठंडा पानी बिल्कुल मत डालिए, थोड़ा पानी गर्म कर लीजिए और फिर इसमें मिक्स करिए। अब मैं इसमें थोड़ा गर्म पानी मिक्स करने वाली हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी पतली करनी ग्रेवी, ज़्यादा नहीं। हमने उबलते समय इसमें थोड़ा सा नमक डाला था इसलिए अब हमें उसको ध्यान में रख के थोड़ा ही नमक डालना है।
से मिक्स कर लीजिए। थोड़ा गर्म पानी डालकर इसमें थोड़ा गर्म पानी ऐड कर दिया है। अब हमें इसे ढककर धीमी आंच में एक 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे ताकि जो सब फ्लेवर है ना मसाले के वो मसूर में आ जाए और खाने में बहुत ही अच्छी लगे। इसे हम ढक देंगे। धीमी आंच में इसे पकने दीजिए। पांच मिनट हो गए हैं। ये देखिए हमारी मजेदार अंकुरित मसूर दाल तैयार है। अब इसे हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। हरे धनिए से इसे गार्निश करिए। गर्मा गर्म हमारी मसूर की दाल तैयार है। ये देखिए इतनी गाढ़ी हमें रखनी है रोटी के साथ खाने के लिए। चावल के साथ भी खा सकते हैं इसे। और देखिए डेढ़ सीटी दी थी मैंने, दूसरी सीटी होने नहीं दी थी। अच्छी तरह से गल भी गए हैं। तो फ्रेंड ये रेसिपी आपको मेरी कैसी अच्छी लगी या नहीं बताना जरूर मुझे कमेंट में। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को जो बिल्कुल फ्री है, हेल्दी प्लस टेस्टी रेसिपी। और जो हमने इसमें मलाई डाली थी ना उसका जो घी छूटा है इसमें उसका जो फ्लेवर उतरा है, अब जब खाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको चाहिए तो इसमें थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ सकते हो ऊपर से। फ्रेंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसे लगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।